नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं संतोष इंसा जो 40 सालों से डेरा सच्चा सौदा संस्था में आ रही हैं, आज भी ये डेरा सच्चा सौदा संस्था में पहुंची हैं। जानते हैं इनके साथ सीधी बातचीत करके इनको कैसा महसूस होता है, क्या है असली सच डेरा सच्चा सौदा संस्था का, जानते हैं इनके साथ बातचीत करके। संतोष जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। 40 सालों से आ रही हैं आप डेरा सच्चा सौदा संस्था में, कैसा माहौल लगता है आपको? बहुत अच्छा माहौल लगता है बेटा। हम तो शुरू से आ रहे हैं, जैसे हमारी बेटियाँ सब यहाँ डेरा में पढ़ी, और लड़की मेरी भी, मेरे देवर की भी, सारे यहाँ डेरा वाले स्कूल में पढ़ी। यहाँ पे जो लड़कियाँ सेफ है ना बेटा, वो पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। ये जो स्कूल है डेरे का, सुरक्षित है आपकी? हाँ, बहुत। हमारे को तो ऐसा स्कूल पूरे हिंदुस्तान में, इंडिया में नहीं लगा जो डेरा सच्चा सौदा में स्कूल सुरक्षित है। इतनी सेफ है लड़कियाँ यहाँ पे, कभी भी ऐसा लगा हो जो मीडिया में दिखाया जा रहा था? ना, सब गलत दिखाया जा रहा है बेटा। ये तो सब बिकाऊ माल है, बस जैसे बिक गए वैसे ही बोल दिया इन्होंने। हमारे से पूछे ना मीडिया वाले कभी आके, हमारे से जवाब दे, जो हम इतने टाइम से डेरा से आ रहे हैं और हमारे बच्चे छोटे छोटे शुरू से डेरा में पढ़े हैं, मीडिया कभी हमारे से बात क्यों नहीं करती? कैसा लगता है आपको? आपको क्या लगता है फिर, कैसा माहौल? बहुत अच्छा है बेटा, यहाँ जैसा तो कोई है ही नहीं माहौल कहीं भी। हमारी इतनी बेटियां सुरक्षित और पढ़ लिख के आज वो इतनी अच्छी अच्छी जॉब पे लग गए यहाँ पे बच्चे, उनको जैसे आत्मिक ज्ञान भी मिला यहाँ पे और दुनियावी ज्ञान भी मिला, अच्छी शिक्षा मिली, नशों से मुक्त हुए बच्चे। कोई ऐसे पैसा मांगा गया दान चढ़ा? ना, कभी कुछ नहीं मांगा गया। हमारी तो झोलियाँ भरी है सतगुरु ने, मालिक ने। पहले जो हमारे पास साइकिल भी नहीं थी और कुछ भी नहीं था, जो हमारे प्यारे सतगुरु ने आज हमारे को पता नहीं क्या क्या दे दिया, कोठियाँ, बंगले, गाड़ियाँ, ये सभी हमारे प्यारे सतगुरु ने दिए। क्या जरूरत है संत जी की समाज? बहुत बहुत जरूरत है संत जी की, बहुत जरूरत है। क्यों जरूरत है समाज में? क्योंकि ये जो बच्चे युवा पीढ़ी है जो ये तो सारी माली सतगुरु के बिना नशों में पड़ गई, जो यहाँ सिरसा के आसपास गांवों में, सिरसा में सभी बच्चे नशों में डलते जा रहे हैं मालिक के बिना। और जब सतगुरु जी यहाँ थे तो बच्चे अच्छे डेरे में आते थे, अच्छी शिक्षा लेते थे, बच्चे नशों से मुक्त थे, रोज सतगुरु के चरणों में बैठते थे। अब तो बहुत जरूरत है सतगुरु जी की यहाँ पे, बहुत जरूरत है। इनको प्रशासन को सोचना चाहिए सब भी, यहाँ ये समाज जो युवा बच्चे सतगुरु के बिना नशों में पड़ रहे हैं। उन्होंने क्या किया है नशों को बंद करवाने के लिए, समाज के लिए क्या किया है? नशों को बंद करवाने के लिए उन्होंने बहुत किया। उन्होंने फिल्म बनाई, उसमें सारा नशे के बारे में दिखाया भी, जो बच्चे नशा करते हैं, जो बंदे नशा करते हैं उनके साथ ये होता है, और नशों से बचने के लिए फिल्म बनाई थी। और बच्चों ने फिल्म देखी तो कितनी युवा पीढ़ी सुधरी और कितने बच्चों ने नशा छोड़ा। उन्होंने बहुत कुछ किया है समाज के लिए, बहुत कुछ किया है उन्होंने। क्या आज ऐसे संत की जरूरत है समाज को? हाँ जी, बहुत सख्त जरूरत है संत जी की, सख्त जरूरत है। यहाँ पे हरियाणा, पंजाब, इतना नशा बढ़ चुका है ना, ये तो प्रशासन को भी पता है भी। छोटे छोटे बच्चे देखो कैसे वो हो रहे हैं नशे खा के, उनकी जिंदगी खत्म हो रही है। क्या अपील करोगे, क्या मांग करोगे आप सरकार से? बस यही मांग करेंगे भी, हमारी तो यही अपील है भी, आप संत जी को छोड़ो और समाज सुधरे और लोगों की भलाइयाँ हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, लोगों की भलाई के लिए संत जी की समाज में मांग लगातार हो रही है। आप भी सोचिए, आपकी क्या राय है जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।